आज की मूवी मिशन में हम देखेंगे कि कैसे एक एस्ट्रोनॉट्स की टीम मार्स पर जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि मार्स पर पहले ह्यूमंस रहते थे। ये कहानी 1967 की है, जब सोवियत स्पेसक्राफ्ट सोयुज 1 अपना मिशन कंप्लीट करके धरती पर लैंड कर चुका था, जिसके अंदर व्लादिमीर कोमारोव भी था। लेकिन यह स्पेसक्राफ्ट अचानक कहीं गायब हो जाता है। कई सालों बाद मेयर नाम का बिलियनर मार्स पर जाने के लिए एक मिशन रेडी करता है, और 10 महीने बाद हम उलिसेस नाम के स्पेसशिप पर एक क्रू को देखते हैं जो मार्स के करीब पहुंच चुके थे। कैप्टन क्रू को बताता है कि उन्हें लैंड करने की परमिशन मिल चुकी है, और शिप के एआई एरानी से कहते हैं कि वो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सब कुछ एक बार वेरीफाई कर ले। मायर ने पिछले 4 सालों में अपना पूरा पैसा इस मिशन के लिए खत्म कर दिया था, लेकिन एक अमेरिकन कंपनी जिलियन उनसे 2 हफ्ते पहले ही मार्स पर अपना मिशन को एग्जीक्यूट कर चुकी थी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस अमेरिकन क्रू की कोई भी न्यूज अर्थ को नहीं मिली है। उन्हें सिर्फ एक वीडियो मिला था जिसमें एक मेंबर उन्हें मार्स पर आने के लिए मना कर रहा था। क्रू मेंबर्स के बीच बहस होने लगती है, लेकिन कैप्टन कहता है कि वो लोग किसी भी हालत में लैंडिंग करेंगे। सभी लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, और लैंडिंग से 30 मिनट पहले एआई एरनी सारी प्रिपरेशन शुरू कर देती है। लेकिन अचानक कुछ अजीब चीज होने लगती है, और शिप अपने करियर सिस्टम से अलग नहीं होता, और ये पूरी क्रू के लिए बहुत बड़ा खतरा था, और अब उसे मैन्युअल ही डिटैच करना होगा। कमांडर शिप से बाहर जाता है, लेकिन वो उन दोनों को डिटैच नहीं कर पाता है, और अचानक शटल मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है, जिससे कैप्टन ओपन स्पेस में गिर जाता है। पावर ऑफ होने की वजह से शटल मार्स पर क्रैश होने लगता है, और मैन्युअल लैंडिंग के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। एआई एरनी भी स्लीप मोड में चली जाती है, और जैसे तैसे शटल की लैंडिंग की जाती है। शटल सक्सेसफुली लैंड तो हो जाता है, लेकिन मैन्युअल लैंडिंग की वजह से उनका काफी फ्यूल खत्म हो चुका था, और एरनी रिस्टार्ट भी नहीं हो रही थी, और इसी वजह से उनके पास जिंदा रहने के लिए एक ही दिन बचा था। एलेक्जेंड्रा विंडो से एक स्पेस सूट गिरा हुआ देखती है, और अपने हस्बैंड की मौत के लिए रोने लगती है। शिप की जांच पड़ताल करने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि शिप अब ऑर्बिट में वापस नहीं जा सकता, और उन्हें सोलर पैनल से पावर जनरेट करने के लिए वेट तो करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें भी उन्हें 2 दिन का समय लग जाएगा, और एक तूफान उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। साइमन कहता है कि अमेरिकन शिप जो कि उनसे 2 हफ्ते पहले पहुंचा था, वो भी शायद यहां पर क्रैश हुआ था। हम लोग उसकी बैटरीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी काम के लिए बाहर एक रोवर भेजा जाता है, और बाकी लोग शिप के सिस्टम को रिस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर बेसिल कहता है कि उनके एआई के पास एनर्जी सेविंग फंक्शन भी मौजूद है। वो आयरनी को रिबूट भी करता है, लेकिन इससे भी कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ रोवर को अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट का टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है, लेकिन उनके आसपास उसके क्रू का कोई मेंबर नहीं मिलता। सभी लोग वापस आने लगते हैं, लेकिन उन्हें स्पेस सूट में एक बेहोश आदमी दिखता है, जिसके पास स्पेसक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स भी था। टीम अपनी शिप के पास आती है, लेकिन यान उन्हें अंदर आने से मना करता हुआ कहता है कि वो उस मरे हुए आदमी के लिए डोर को ओपन नहीं करेगा। एलेक्जेंड्रा उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, जब उन्हें पता चलता है कि ये आदमी अब भी जिंदा है, और तभी अचानक आयरनी एक्टिवेट हो जाती है और डोर ओपन कर देती है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि ये आदमी अमेरिकन क्रू के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि इसका नाम व्लादिमीर कोमारोव है, जिसका जन्म सोवियत में हुआ था। उसने USSR गवर्नमेंट के ऑर्डर्स लिए, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। वो किसी तरह के सीक्रेट्स रिवील नहीं करता, और सभी क्वेश्चंस का आंसर उन्हें देता है। क्रू अर्थ पर एक मैसेज भेजते हैं, और उन्हें अमेरिकन कॉर्पोरेशन जिलियन से एक मैसेज मिलता है कि उनके मिशन में कोई भी रशियन आदमी नहीं था। वो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कोमारोव की डेथ 1967 में हो चुकी है, और वो सोच में पड़ जाते हैं कि कोमारोव मार्स पर कैसे पहुंचा। क्या वो एक टाइम ट्रेवलर है? साइकोलॉजिस्ट उससे और सवाल पूछने के लिए जाते हैं, लेकिन कोमारोव कहता है कि वो भूखा है, जाना उसके लिए खाना लेने जाती है। बेसिल कहता है कि कोमारोव यहाँ बैठा उनका वेट कर रहा था। व्लादिमीर खाना खाता है, और जाना उससे बताती है कि वो 50 साल पहले मर चुका है, जिस पर कोमारोव कुछ रिएक्ट नहीं करता। अब इन लोगों का शिप दोबारा ठीक होने लगा है, लेकिन उन लोगों के पास फ्यूल नहीं था, इसलिए यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। क्रू कोमारोव पर नजर रखे रहते हैं, लेकिन वो अचानक ही गायब हो जाता है। साइमन पूरी शिप में उसे ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता, और उन्हें ये भी पता चलता है कि उसका स्पेस सूट भी मिसिंग था। क्रू के कुछ लोग आयनी के बताए हुए रास्ते पर जाते हैं। इस ग्रुप को साइमन लीड कर रहा था। वो लोग रोवर को छोड़ देते हैं और चलकर कंटिन्यू कर देते हैं। इधर एलेक्जेंड्रा उन्हें बताती है कि कोमारोव के डीएनए से पता चला है कि उसमें कोई थर्ड स्ट्रैंड भी है, इसका मतलब है कि वो ह्यूमन नहीं है। और तभी उन लोगों को कोमारोव दिख जाता है, जो एक अजीब से स्ट्रक्चर के आगे खड़ा था, जहाँ पर एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर भी था।
वो जाना से कहता है कि मार्स उनका इंतजार काफी सालों से कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिलियन कॉर्पोरेशन का फाउंडर गोल्डस्टेन, जिसकी शिप इन लोगों से पहले मार्स पर पहुंच गई थी, उससे पता चल जाता है कि उन लोगों को एक आदमी मिला है और वो कहता है कि वो एक एआई है, क्योंकि एक ह्यूमन इतने टाइम तक वहां पर सर्वाइव भी नहीं कर सकता। इधर कुमारव एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि कैसे उसने डोर ओपन किया और वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। एआई एरेनी इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करती है और कहती है कि ये अर्थ के एंशिएंट सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर से काफी समान है। इसका मतलब है कि ह्यूमन से इंस्पायर होकर ये सभी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। शिप में बचा हुआ क्रू काफी परेशान हो जाता है कि क्या वो लोग वापस अर्थ पहुंच पाएंगे कि नहीं, जब उन्हें अचानक गोल्ड स्टेन की दूसरी शिप दिखती है। गेमा उनसे कांटेक्ट करती है और वो लोग कहते हैं कि वो अर्थ वापस जाने में उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन मेयर उन पर भरोसा नहीं करता और अपने क्रू से कहता है कि वो कुमारव को उन लोगों से छुपा कर रखे। जाना कुमारव को एक यूनिफॉर्म देती है जिससे वो उनसे बच कर रहे और उन्हें लगा कि कुमारव उनके टीम का मेंबर है। डोर ओपन होते ही एडवर्ड और एडम नाम के दो मिलिट्री के लोग हाथ में गन लिए अंदर आते हैं। दोनों काफी अग्रेसिव होते हैं और एडवर्ड उन्हें कहता है कि वो ब्लैक बॉक्स उनके हवाले कर दे जो उन्हें जेटा वन से मिला है। वो अपने पार्टनर से कहता है कि वो पूरे शिप की तलाशी ले। मेयर उन्हें ब्लैक बॉक्स दे देता है और वो लोग चले जाते हैं। उनकी केमिस्ट इवा उन्हें कहती है कि जो स्टोन उन्हें मार्स पर मिला था वो एक एलॉय है जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें एक थर्ड स्ट्रैंड डीएनए है जो कि कुमारोव के डीएनए जैसा ही है। मेयर उन्हें कहता है कि अगर गोल्डस्टीन को इस बारे में पता चला तो वो कुमारोव को लेने के लिए लोग भेज देगा। इसके बाद क्रू दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। एक ग्रुप वो बनता है जो कुमारोव के बदले उनसे फ्यूल लेना चाहते हैं और दूसरे वो जो मार्स का सच जानना चाहते हैं। जाना व्लादिमीर को अपने कैबिन में बुलाती है और उससे परमिशन लेती है कि वो उसे हिप्नोटाइज करना चाहती है। इसके बाद साइकोलॉजिस्ट अपना काम शुरू करती है और बाकी क्रू ट्रांसमिशन से उनकी कन्वर्सेशन को सुनने लगते हैं। कुमारव सिर्फ अपने फाइनल मोमेंट्स को ही शेयर करता है जब वो सोयुज स्पेसक्राफ्ट में था। इस टाइम गिमा और एलन शिप में उन लोगों से मिलिट्री के बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं और उन्हें कहता है कि वो लोग उनकी शिप के माल फंक्शंस को ठीक करेंगे। जेना कुमारव के साथ हुई बातों को याद करती है जो ह्यूमंस के लापरवाही के लिए अर्थ के फ्यूचर के लिए दुखी था। उन्हें पता चलता है कि मेयर ने ये प्लान सिर्फ ब्लैक बॉक्स के लिए नहीं किया। 4 साल पहले रोवर ने उन्होंने अर्थ पर फोटो भेजी थी जिनमें उन्हें पता चल चुका था कि उन्हें एक स्टोन मिला है जिसका डीएनए अननोन है। गेमा उन्हें बताती है कि ये एक इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम है जो कि दोबारा लिखा जा सकता है। ये सुनकर आयरनी एक्टिवेट हो जाती है और स्टोन पर लिखे मैसेज को कन्वर्ट करती है। ये एक सीरीज ऑफ नंबर्स है। इस समय यान कहता है कि उसे मेयर पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसने कहा था कि गोल्डस्टेन एक बुरा आदमी है, लेकिन अब उनका ही क्रू उनकी मदद करना चाहता है। वो कहता है कि वो अब गोल्डस्टेन को सपोर्ट करता है। कुछ देर बाद इंजीनियर बेसिल मेयर को बताता है कि कुमारव भी उसी उस तरह का प्रोग्राम है जिस तरह का स्टोन है, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है उसने वो ब्लैक बॉक्स की कॉपी कर चुका है जो उन्हें जेटा वन से मिला था। और वो उससे बताता है कि शिप का ऑक्सीजन तो काफी पहले ही कट हो चुका था। इसका मतलब है कि उसने ही एआई एरेनी को एक्टिवेट किया था। इसके बाद मेयर जाना का फोटो दिखाता है जो उन्हें 4 साल पहले मार्स से मिली थी, जिस पर जाना का फेस बना हुआ था, इसलिए उसे भी इस मिशन पर भेजा गया था। जेना सोच में पड़ जाती है, मेयर ने सभी लोगों को बेवकूफ बनाया था। अचानक वो खुद को अपने फादर के घर पर देखती है जहां पर कुमारव उसे बताता है कि वो ही अर्थ और मार्स के बीच का लिंक है। कुमारव उसे कहता है कि वो हजारों सालों से जेना का वेट कर रहा है और अब वो उसे एक डिसीजन लेने के लिए रेडी करेगा। वो उसे मार्स के कोऑर्डिनेट्स बताता है जहां उसे जाना चाहिए। अर्थ पर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट की टीम गोल्डस्टेन को बताता है कि कुमारव एक कंप्यूट की तरह ही है और वो खुद एक बायोलॉजिकल मशीन है। वो उसके ब्रेन को कुमारव की बॉडी में ट्रांसफर करने की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि उसकी पर्सनैलिटी वापस आएगी या नहीं। गोल्डस्टेन रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जेना साइमन के मना करने के बाद भी शिप से बाहर चली जाती है। एलन और अलेक्जेंड्रा इंजन को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उनका एक्सेस ब्लॉक हो चुका है और आयरनी अचानक से उनका रिस्पॉन्सिव जोक से करने लगती है जो कि एक मशीन के लिए काफी अजीब बात था। उन्हें पता चलता है कि उसने खुद को रीप्रोग्राम कर लिया है। उसका इंटरफेस और लॉग्स चेंज होने लगा है। उससे पूछा जाता है कि ऐसा करने के लिए उसे किसने कहा, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देती। बेसिल कहता है कि उसका सिस्टम एक ब्रेन की तरह बनने लगा है। आयरनी कहती है कि वो अब इवॉल्व हो रही है। जेना एक छोटे से पिरामिड के पास पहुंचती है और साइमन गिमा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है कि वो जेना को ढूंढने उसके साथ चले। यान देखता है कि वो लोग गायब है
तो वो साइमन को कांटेक्ट करता है और साइमन उससे कहता है कि वो किसी को भी अंदर ना आने दे। लेकिन तभी मिलिट्री के दोनों लोग वहां पर आते हैं और कहते हैं कि कुमारव को उनके हवाले कर दे। यान डोर ओपन करने लगता है लेकिन बाकी लोग उसे मना करते हैं। मेयर बेसिल को गोल्डस्टेन को मैसेज सेंड करने को कहता है लेकिन आयरनी अर्थ से उनके कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देती है। लेकिन इसके बाद भी यान डोर्स को ओपन करता है जिसके बाद दोनों लोग अंदर घुस जाते हैं। बेसिल आयरनी को रिबूट करने लगता है और दोनों मिलिट्री पर्सनल कुमारोव को ढूंढते हैं लेकिन अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती है और कुमारोव गायब हो जाता है। इधर जैना एक हिल से गिर जाती है और जब उसे होश आता है तब वो देखती है कि उसका पैर एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ है। वो काफी कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं होता। इधर दोनों मिलिट्री ऑफिसर क्रिव को धमकी देते हुए कुमारोव के बारे में पूछते हैं और कैप्टन को मारने लगते हैं। उधर जैना चिल्लाने लगती है और सोचती है कि अब वो मार्स के इस कोने में ही मर जाएगी। लेकिन तभी साइमन और गेमा उसे ढूंढ लेते हैं। शिप में अलेक्जेंड्रा देखती है कि तूफान उनकी तरफ आ रहा है। दोनों मिलिट्री ऑफिसर्स भी अपने शिप में वापस अर्थ जाने की तैयारी करते हैं। अचानक लिप्स फ्लैश होने लगती है और कुमारोव उनके सामने आ जाता है और उन्हें कहता है कि वो उसे अर्थ पर वापस ले जाए। साइमन गेमा और जैना कुमारोव की बताई हुई लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं और एक अंडरग्राउंड बंकर के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं जो कि बिल्कुल पेट्रो टॉम की तरह दिखता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पानी दिखता है लेकिन कुमारोव उन्हें यह नहीं दिखाना चाहता था। अर्थ पर हम देखते हैं कि गोल्डस्टेन नर्स को एक कहानी सुनाता है जो उसने मार्स के बारे में सुनी थी। लोग एक ग्रीन मैन नाम के आदमी को ढूंढ रहे थे। वो उसे हचिको नाम के डॉग की कहानी सुनाता है जो अपने ओनर का वेट करता रहा और उसे कुमारोव से कंपेयर करते हुए कहता है कि कुमारोव हजारों सालों से मार्स पर उसका इंतजार कर रहा है जिसने उसे बनाया और उसे मार्स पर छोड़ दिया और आज तक वो इंतजार कर रहा है कि वो लौटेगा। इधर मार्स पर उन लोगों को एक दीवार दिखती है जो कि ह्यूमंस बोन्स से बनाई गई थी और उन्हें पता चलता है कि इस प्लेनेट पर वो पहले ह्यूमंस नहीं है। उन्हें लग रहा था कि अर्थ के लोग मार्स पर आए थे लेकिन ऐसा नहीं है। वो मार्स के लोग थे जो कि अर्थ पर मार्स के रिसोर्सेज लेकर आए थे। शिप पर काफी बहस होती है और यान गन पकड़कर सभी लोगों को कहता है कि वो अमेरिकन की शिप को यूज करके वापस अर्थ पर जाएंगे। वो कुमारोव को शूट कर देता है और इधर जैना अचानक जमीन पर गिर जाती है और गेमा वहां से भाग जाती है। अलेक्जेंड्रा कुमारोव की मदद करने की कोशिश करती है और साइमन जैना की मदद करता है लेकिन कुमारोव मर जाता है और जैना भी सांस लेना बंद कर देती है। इसके बाद साइमन अपना हेलमेट उतार देता है और हैरान होता है कि उस गुफा में हवा मौजूद थी। वो जैना के मुंह में सांस भरता है और जैना दोबारा होश में आने लगती है। इधर गेमा भागती हुई अपने शिप की तरफ आती है जब उसे कुमारोव की डेथ के बारे में बताया जाता है। मेयर छुपकर अपने क्रू मेंबर्स की तलाश में जाता है क्योंकि अमेरिकन्स ने उसे अर्थ पर ले जाने से मना कर दिया था। इधर जैना बंकर में एक लाइट देखती है और वो साइमन के साथ उस तरफ चलती है। बाहर निकलने पर उन्हें एक आदमी दिखता है और ये और कोई नहीं बल्कि कुमारोव था। मेयर भी एंट्रेंस पर पहुंचता है और साइमन और जैना से मिलते हुए लाइट की तरफ बढ़ता है। वो कुमारोव को जिंदा देखकर हैरान होता है जो उन्हें बताता है कि यहाँ पर काफी साल पहले सब कुछ खत्म हो चुका था। वो लोग मार्स के नॉर्थ पोल में पहुंच जाते हैं लेकिन कुमारोव उन्हें एक्सप्लेन करता है कि मार्स में पहले ह्यूमंस रहते थे और उन्होंने मार्स पर काफी लापरवाही की जिस वजह से मार्स रहने लायक नहीं बचा। कुछ सर्वाइवर्स बचे हैं लेकिन जब रिसोर्सेज नहीं बचे तो उन्होंने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया और बचे हुए अर्थ पर चले गए। कुमारोव उन्हें बताता है कि कैसे उसने हजारों सालों तक जैना का वेट किया जिसमें खुद मार्स के एआई और ह्यूमंस की क्वालिटी है। सिर्फ वो ही अब ह्यूमैनिटी को बचा सकती है लेकिन उसे डिसाइड करना होगा कि क्या ह्यूमंस सेकंड चांस डिजर्व करते हैं। अचानक वहां पर एक मिलिट्री ऑफिसर आ जाता है जो साइकोलॉजिस्ट को वापस अर्थ पर ले जाने आया है। वो गन तान देता है और जैना कुमारोव से हेल्प मांगती है। अचानक वो मिलिट्री ऑफिसर सांस नहीं ले पाता और जमीन पर गिर जाता है। शिप पर वापस आने के बाद साइमन वापस निकलने की ऑर्डर देता है। गेमा जो कि जिलियन शिप पर है अपने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन किसी का जवाब नहीं आता। वो अर्थ पर अकेले जाने का डिसाइड करती है। दूसरे शिप का क्रू भी उसके शिप की तरफ बढ़ता है और उससे कांटेक्ट करते हुए कहता है कि मिलिट्री के आदमी की डेथ हो चुकी है लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जिसके बाद मेयर बोलना शुरू करता है और वो उसे अपने पास्ट रिलेशन के बारे में बताता है और कबूल करता है कि वो गोल्डस्टेन से कई बेहतर है। वो चाहता है कि उसका नाम इतिहास में बने रहे जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है और वो ये बात जानकर जीवित नहीं रह पाएगी कि उसने लोगों को बर्बाद किया है। कुछ ही देर बाद वो रिस्पॉन्स करती है और उन्हें जल्दी आने को कहती है। गोल्डस्टेन सुन लेता है कि गेमार दूसरे क्रू की हेल्प कर रही है तो वो उसके कंट्रोल पैनल को ब्लॉक कर देता है
और सभी लोग शिप में बैठे अपनी मौत का इंतजार करते हैं। लेकिन जियाना अपनी पावर्स का यूज करके किसी तरह कंट्रोल पैनल के ब्लॉक को हटा देती है। अचानक शिप के सामने दूसरा मिलिट्री ऑफिसर दिखता है जो कि शिप के इंजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। साइमन उसे रोकने के लिए बाहर जाने ही लगता है कि जेना उससे पहले बाहर आ जाती है। वो उस पर गन तान देती है लेकिन उसे कहती है कि मार्स ही उसे मारेगा। ऑफिसर गिर जाता है और काउंटडाउन शुरू हो जाता है और जेना को रियलाइज होता है कि वो अब वापस नहीं जा सकती। वो अपने क्रू को गुड बाय कहती है और साइमन को अपना प्यार कन्फेस करती है। शिप टेक ऑफ हो जाता है और मेयर नोटिस करता है कि मार्स के नॉर्थ पोल में अंधेरा हो रखा है, जिसका मतलब है कि वो कुछ टाइम पहले वो वहां नहीं हो सकते थे, लेकिन हकीकत में वो सच में वहां नॉर्थ पोल पर ही थे। इधर गोल्डस्टेन काफी गुस्से में होता है और कहता है कि वो इस बार खुद मार्स पर जाएगा और यहीं पर पहला सीजन एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये पहला सीजन कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप इसका दूसरा सीजन देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।